Good afternoon, everybody. Today I'm going to discuss ke quadratic polynomial banaya kaise jata hai. Humne already quadratic polynomial ke zeros nikale the. Uske baad we have done how to verify the relation between the zeros and the coefficients. Now I'm going to discuss ke agar ek quadratic polynomial hai, usko banana hai. To uske liye hum kya formula use karenge? Here is the formula x square माइनस ब्रैकेट के अंदर सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. देखो इसमें दो तरीके के क्वेश्चन हमारे पास होंगे. फर्स्ट टाइप जब हमें सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस डायरेक्टली गिवन है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है. जैसे मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, सम ऑफ जीरोस अगर 2 दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 3. मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं इस फॉर्मूला के अंदर सम ऑफ जीरोस की जगह 2 रख दूंगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह 3 रख दूंगा. तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x, क्योंकि x ऑलरेडी है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, 3. सिंपल है. एक और एग्जांपल देखता हूं. अगर अगर सम ऑफ जीरोस माइनस 4 है, ये कुछ भी आ सकता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 7 है. मैं अगेन इस फॉर्मूले के अंदर रखूंगा तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस, अब सम ऑफ जीरोस की जगह क्या रखूंगा, माइनस 4 एक्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह क्या रखूंगा, 7. डेट इज इसको अगर मैं ब्रैकेट खोल के लिखूंगा, क्योंकि माइनस माइनस है, तो इट विल बिकम 4x प्लस 7. अगर ये माइनस 7 होता तो यहां मैं प्लस के साथ ब्रैकेट के अंदर माइनस 7 रखता. आई विल टेक अनदर एग्जांपल कि अगर सम ऑफ जीरोस माइनस 1/4 है, जानबूझ के थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस 1/2 है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई विल जस्ट पुट. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस कितना है, माइनस 1/4 एक्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ कितना है, माइनस 1/2. डेट इज अगर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस और माइनस माइनस 1/2, क्योंकि अपॉन में 4 और 2 आ रहा है. अगेन डेट इज मैं इसको चेंज कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि अपॉन में 4 और 2 है, तो आई टेक द एलसीएम ऑफ 4 एंड 2, कितना आएगा, 4. इन तीनों को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 4 से करूंगा तो इट विल बिकम 4x स्क्वायर 4 से, क्यों, क्योंकि अपॉन में 4 और 2 है, इनका एलसीएम 4 आता है, प्लस इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अपॉन में भी 4 है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट विद x माइनस, इस तीसरे को भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 2. ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आई गिव यू क्वेश्चंस आल्सो. हाँ, सेकंड टाइप, दिस वाज फर्स्ट टाइप, जब आपको सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है. सेकंड टाइप में वो क्या करते हैं, दे गिव यू द जीरोस ओनली, लेट द जीरोस आर 2 एंड माइनस 7, ये जीरोस हैं. अब देखो जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो सम ऑफ जीरोस चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चाहिए, यहां जीरोस दे रखे हैं, तो मैं पहले सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये मैं निकालूंगा. सम मतलब दोनों को प्लस कर दो, 2 में माइनस 7 प्लस कर दो, ब्रैकेट खोलेंगे 2 माइनस 7 दैट इज माइनस 5, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 14. नाउ पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस की जगह माइनस 5 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह माइनस 14, जो भी वैल्यूज होंगी, तो दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14. आई थिंक होप इट इज क्लियर. दिस इज द लास्ट टॉपिक इस लेक्चर के अंदर. आई विल सेंड यू द क्वेश्चंस आल्सो बेस्ड ऑन दिस एंड होप इट्स क्लियर. अगर कोई प्रॉब्लम है यू कैन मैसेज मी ऑन माय पर्सनल विंडो. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.